दोस्तों यदि आप कोई एनिमेटेड वीडियो वाला चैनल यहाँ पर बनाना चाहते हैं या अपने किसी वीडियो कंटेंट में एनिमेशन यहाँ पर लगाना चाहते हैं, एनिमेशन वाले कार्टून वीडियोस वगैरह यहाँ पर जो है ऐड करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर जो है आप केवल टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट से यहाँ पर जो है एनिमेशन जनरेट हो जाएगा और उसे आप जो है अपने वीडियोज वगैरह में यूज कर पाएंगे। सोलंकी, आप देख रहे हैं से स्टॉक चैनल, जहां पर आपको YouTube ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज समय-समय पर दिया जाता है। तो आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और इसी तरह से YouTube ब्लॉगिंग, मेक मनी टिप्स, एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज के लिए हमारे चैनल से स्टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात सेस के साथ। तो दोस्तों जिस टूल के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं उसका नाम है स्टीव एआई और इस टूल पर आप यहां पर एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं वो भी टेक्स्ट की मदद से, यानी कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग एनिमेटेड वीडियो जो है आपके यहां पर बन जाएंगे। अब इस टूल को यूज कैसे करना है, इसे यूज करने के लिए यहाँ पर साइन अप पर फ्री का बटन आपको दिया गया है। तो जैसे ही इस साइन अप पर फ्री वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी होगी, या तो आप अपने गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से यहाँ पर जो है साइन अप हो सकते हैं। तो मैं गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेता हूँ और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका डैशबोर्ड हमें यहाँ पर नजर आने लगा है। इस डैशबोर्ड में यहाँ पर टेक्स्ट टू वीडियो आपको जनरेट करना है, टेक्स्ट टू एनिमेशन जनरेट करना है, ब्लॉग पोस्ट टू वीडियो जनरेट करना है या ब्लॉग टू एनिमेशन जनरेट करना है, ये सारे टूल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टू एनिमेशन, यहाँ स्टार्ट बटन पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ हमारे सामने एक मैनुअल स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसे जो है आप यहाँ पर एनिमेशन चाहिए या लाइव वीडियो चाहिए, यहाँ पर वीडियो का साइज क्या चाहिए, यहाँ पर जो है आप किस कैटेगरी के लिए वीडियो जनरेट कर रहे हैं और उसका टाइटल किस तरह का होगा, ये जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट दी गई है, जैसे जैसे आप यहाँ पर जो है कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर जो जनरेटेड है वो जो है यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि जो स्क्रिप्ट आपके पास है वो आप यहाँ पर लिखे तो इसे क्रॉस करके आप यहाँ पर जो है मैनुअल स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हैं। अब स्क्रिप्ट के लिए आप ग्रेविटी राइट, चैट जीपीटी या गूगल बर्ड जैसे टूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो स्क्रिप्ट मेरे पास यहाँ पर है उस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है सीन क्रिएट हो चुके हैं, इनमें से आप चाहे तो यहाँ पर मैनुअल भी इनको जो है एडिट कर सकते हैं या मैनुअल टाइपिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो इनकी सेटिंग दोबारा से यहाँ पर कर सकते हैं, किस तरह का म्यूजिक चाहिए, किस तरह का वीडियो आपको यहाँ पर चाहिए, सोर्स किस तरह के चाहिए, इसमें आपको जो है हाईलाइट्स यहाँ पर लिखने हैं या नहीं, वॉइस ओवर वगैरह करना है या नहीं, वो भी जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। वॉइस ओवर आप यहां पर सेलेक्ट करते हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस आपको यहां पर देखने को मिलेगी, इन लैंग्वेजेस में आपको किस तरह का वॉइस यहां पर चाहिए, मेल साउंड चाहिए, फीमेल साउंड चाहिए और यहां पर किस तरह का वॉइस यहां पर चाहिए वो भी जो है आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरेट वॉइस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां मैं यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लूंगा, यहां पर जो है एनिमेटेड वीडियो रहने दूंगा, यहां पर जो है सोर्स में हाल ही रहने दूंगा और यहां पर जो है हाईलाइट्स भी लगाऊंगा, वॉइस ओवर भी लगाऊंगा और बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी लगाऊंगा और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने अलग अलग तरीके के यहां पर जो है टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे, जिन पर आप यहां पर माउस ले जाएंगे तो यहां पर जो है टेम्पलेट्स दिखाई देगा, किस तरीके के टेम्पलेट को आपको यहाँ पर यूज करना है वो जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है इस वाले टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लूंगा जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, इस तरह का नजर आ रहा है, तो इस टेम्पलेट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमारे सीन्स जो है यहाँ पर लोडिंग हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये वीडियो बनने से पहले इसका लेआउट यहाँ पर चेंज हो जाए तो कुछ अलग अलग तरीके के लेआउट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा कार्टून कैरेक्टर है वो आपको किस पोजीशन में यहाँ पर चाहिए, टेक्स्ट किस पोजीशन में चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये वाली पोजीशन ठीक लग रही है, ये यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर जो है चेंज कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप किस तरह का कलर यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो भी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके कार्टून का और आपके जो थीम है, जो टेक्स्ट है, उसका कलर जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो जो कलर थीम आपको यहाँ पर अच्छी लग रही है वो जो है आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिया है कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड यहाँ पर जो है आए तो किस तरह का ट्रांजेक्शन यहाँ पर लगे, वो ट्रांजेक्शन भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप किसी स्लाइड से यहाँ पर टेक्स्ट को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और सभी स्लाइड से यहाँ पर हाइड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट हम यहाँ पर रखना चाहते हैं। आप यहाँ पर कैरेक्टर पर यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको चेंज एक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें जो है आप इनके अलग अलग एक्शन वाले कैरेक्टर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ पढ़ा रहे हैं इस तरह का एक्शन दिया गया है, इस एक्शन को जो है मैं यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ। वहीं पर अगेन हम इस कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये कैरेक्टर ही यहाँ पर जो है हम चेंज करवा सकते हैं, जैसे कि वो कैरेक्टर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहां से जो है अलग किसी तरीके का एनिमेशन कैरेक्टर यहां पर जो है चूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये कैरेक्टर यहां पर ठीक लग रहा है तो मैं ये वाला यहां पर जो है ऐड कर दूंगा। अब आप यहां पर देखेंगे जहां पहले यहां पर फीमेल कैरेक्टर था वहां पर जो है अब मेल कैरेक्टर आ चुका है। अब आपका जो वीडियो है वो यहां पर जो है आपको फुल्ली देखने को मिलेगा। यहां पर आप चाहे तो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं या म्यूजिक वगैरह भी लगा सकते हैं। तो वॉइस ओवर भी हमने यहां पर एआई टूल के थ्रू करवा लिया है और म्यूजिक भी हम यहां पर जो है एआई टूल के थ्रू लगवा लिया है। अब सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये वीडियो जो है यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। वीडियो का साइज यहाँ पर सेलेक्ट करके जो भी आपको साइज यहाँ पर चाहिए वो साइज आप सेलेक्ट करेंगे, और वीडियो का टाइप जो कि MP4 यहाँ पर रखना है वो सेलेक्ट करके और इसे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक महीने में आप यहाँ से जो है 3 फ्री वीडियोस बना सकते हैं। AI का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट टू कार्टून वीडियोस यहां पर जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इन कार्टून वीडियोस में अपनी खुद की वॉइस ओवर भी यहां पर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह से यूट्यूब ब्लॉगिंग मेक मनी टिप्स एजुकेशनल हेल्पफुल टेक्निकल सपोर्ट नॉलेज के लिए हमारे चैनल सेस टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।